हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन ट्रैक्टर वंस अगेन। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अब काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन है कि काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं नई रेगुलेशन के ऊपर रिगार्डिंग। मैं बात कर रहा हूँ लाइसेंस के बारे में, किसको लाइसेंस चाहिए, कौन सी जोन्स में चाहिए, किस ड्रोन्स के लिए चाहिए। वेडिंग फोटोग्राफर इसमें आते हैं, वेडिंग वीडियोग्राफर आते हैं। अगर वो कमर्शियल काम कर रहे हैं, मतलब वेडिंग एक प्रोफेशन है, वेडिंग शूट्स, तो उनको रिमोट अपना ड्रोन अगर वो यूज़ करते हैं तो दे रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट, लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए। तो ये इस वीडियो में ना आपको बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ जो कि अब लागू हो चुकी है और एप्लीकेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन से रिगार्डिंग है। अब तक की जितनी भी हो गई हैं ये पूरा समरी है। इसमें सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ लाइसेंस किसको चाहिए, किस ड्रोन के लिए चाहिए, किस जोन में चाहिए। जोन का मतलब है जैसे हमारा पूरा इंडिया को डिवाइड किया हुआ है रेड येलो एंड ग्रीन जोन में, तो उनके बारे में भी बताऊँगा। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जोन समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ जोन्स क्या है। जोन्स बेसिकली डिवाइड किया है तीन ग्रुप्स में पूरे इंडिया के मैप को, अलग अलग लोकेशंस को। रेड जोन पे आप कतई जोन कितना मर्जी आपके पास अच्छा लाइसेंस है, बहुत ट्रेंड है, बहुत एक्सपीरियंस है, आप बिना परमिशन के, बिना काफ़ी परमिशन भी बहुत तगड़े लेवल की चाहिए, तो रेड जोन में आप ड्रोन उड़ाना भूल जाएं। नंबर टू, येलो जोन में आप ड्रोन उड़ा सकते हैं बशर्ते आपके पास परमिशन होनी चाहिए। आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैंने इस जगह पर, अगर वो एरिया येलो जोन में आता है। ये जोन्स कहाँ पर हैं, ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा इंडिया का मैप मिल जाएगा, वहाँ पर ये बनाए हुए हैं रेड येलो। और ग्रीन जोन इज़ द वन विच इज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई परमिशन नहीं चाहिए, आप बिंदा जाके ड्रोन उड़ा सकते हैं। बस आप थोड़ा सेफ्टी का आपको थोड़ा नॉलेज हो, ध्यान से ड्रोन उड़ाना है और कोई प्रॉब्लम इस जोन के अंदर नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी जोन्स। अब हम बताते हैं किस लाइसेंस किसको चाहिए। लाइसेंस एक D4 फॉर्म है जो आपको भरना है, 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको मिल जाता है। एक फ़ीस है, वो भरनी है। करनी कहाँ से ट्रेनिंग है, वो एक लिस्ट है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की, उन्हीं इंस्टीट्यूशन से जाके करनी है जो जहाँ पर उनके नाम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अलग से बना दूँ, ये कहीं कन्फ्यूजन ना हो, सीधा वहाँ से चले जाएँ, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखे, मैं बना दूँगा। वैसे आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट से वो लेना है। D4 फॉर्म भरना है, 7 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको वो लाइसेंस सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं चाहिए किसको चाहिए। देखिए, सबसे पहले उसको चाहिए जो कि माइक्रो कैटेगरी से ऊपर वाला ड्रोन उड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैटेगरी के अंदर जो माइक्रो कैटेगरी से अबव है उसी को ड्रोन लाइसेंस चाहिए। वो चाहे ग्रीन जोन में उड़ा रहा है, चाहे येलो जोन में चला रहा है, बिना लाइसेंस के वो बड़े वाला ड्रोन नहीं उड़ा सकता। अब खुशखबरी की बात यह है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो हमारे सब्सक्राइबर और जो बेस हम मतलब टारगेट करते हैं ऑडियंस, यानी यूट्यूबर्स हो गए, सिनेमेटोग्राफर्स हो गए, वीडियोग्राफर्स हो गए, वो सब इतने हाई एंड ड्रोन्स यूज़ नहीं करते, मतलब हैवी ड्रोन्स यूज़ करते। हम सब माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो कैटेगरी में DJI Mavic Air, DJI अपना जितने भी 2 किलो से नीचे वाले ड्रोन्स हैं जिनका वेट 2 किलो से नीचे है, सभी आ जाते हैं, जो कि A1 है। Mavic Pro तो आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त फुटेज निकालता है। बाकी ठीक है, अब बाद में फैंटम्स की बात करूँगा। वैसे फैंटम भी इस कैटेगरी में आ जाता है, उसका मैं बताऊँगा प्रोस कॉन्स एंड में कि वो रखना चाहिए कि नहीं आज के डेट में अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस। ठीक है जी, तो ये जो जितने भी माइक्रो कैटेगरीज के ड्रोन हैं इनको आप बिना लाइसेंस के उड़ा सकते हो, लेकिन आप कमर्शली उसको नहीं उड़ाना। मतलब क्या है इसका, अगर आपका ड्रोन उड़ाना प्रोफेशन है, जैसे कि आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं, तो वो आपका प्रोफेशन हुआ, आप उसको कमर्शली उड़ा रहे हो, तब उस केस में आपको चाहिए होगा। अब इसको कैसे करना लूप होल, वो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि कहाँ पर वो चल जाएगा। अब कई छोटे लेवल के भी, मतलब ऐसे भी कहीं कई कहते हैं कहाँ इस खज्जल पने में पड़े, तो वो मैं बता रहा हूँ। वैसे जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, अगर आप कमर्शियली माइक्रो ड्रोन को उड़ा रहे हैं, कमर्शियली माइक्रो ड्रोन को अगर आप उड़ा रहे हैं, तो आपको ये लाइसेंस चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वंस एंड वाइल यूट्यूबर हैं, कहीं जा रहे हैं, फैमिली को लेके गए हैं, वहाँ उड़ा रहे हैं, नो नीड, चाहे आप Mavic Pro ही क्यों ना उड़ा रहे हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि वेडिंग सिनेमेटोग्राफर जो हैं, जो इनका है रोज़ का काम है, असाइनमेंट्स आई हैं, उनको ड्रोन फुटेज चाहिए, वो क्या करें। वो ये करें, या तो वो नैनो कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि नैनो कैटेगरी का फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, नैनो कैटेगरी में कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको बिंदास बिना लाइसेंस के। और Mini 3 Pro जो अब आ गया, उसमें काफ़ी अच्छे फीचर आपको 4K तक मिल रहा है फुटेज, और क्या चाहिए।
और जितना ऊपर वो जाता है वो एक वेडिंग शूट करने के लिए बहुत बढ़िया है प्राइस, मतलब पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही आसमानों तक लेके जाना होता है ड्रोन को, जितना हमें अच्छा सिनेमेटिक के लिए चाहिए होता है वो सारा कुछ उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो या पहला है, अगर आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं और आपको ड्रोन उड़ाना है प्रोफेशनली, आपका कमर्शियल काम है, तो आप नैनो कैटेगरी में जाके मिनी 3 प्रो ले लो, पहला पॉइंट। नंबर दो, फैंटम कैटेगरी के ड्रोन मत उड़ाओ, काफ़ी बल्की और बड़े लगते हैं, उनको देख के पुलिसियों को भी लगता है भाई वो एक बहुत बड़ी चीज़ उड़ा रहे हैं, कोई ख़तरनाक चीज़ उड़ा रहे हैं, और देखने में भी, क्योंकि अब जो कॉम्पैक्ट मैविक 3 प्रो वगैरह हैं वो थोड़े कॉम्पैक्ट हैं, उनसे आपका काम चल जाएगा। इसमें ये नहीं कह रहा कि मैविक 3 प्रो पे आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, मैविक 3 प्रो को लाइसेंस चाहिए, लेकिन आप एक सिनेमेटिक फुटेज अगर आप चाहते हो और आप इन मतलब वो करना चाहते हो कि निकल जाए, काम हो जाए और किसी को पता भी ना चले, तो क्योंकि वो इतना बल्कि नहीं लगता, फोल्डेबल होता है वो, कॉल तो छोटा है, उसको कोई नोटिस भी नहीं करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा तो है नैनो ले लो, नैनो में तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर भी अगर थोड़ी अच्छी फोटो चाहिए तो ये मैविक प्रो, मैविक एयर, ऐसे ड्रोन्स लीजिए। वो फैंटम वाले जो चौड़े लंबे चौड़े ड्रोन्स हैं तो माइक्रो कैटेगरी के, 2 किलो से नीचे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो दिखने में बल्कि लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप, नो डाउट आपने फैंटम ही उड़ाना है तो फिर कोई और उसका मोर बचा नहीं है, आप ये जो जितने भी लिस्ट हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपका एरिया, उसके हिसाब से 7 दिन की ट्रेनिंग ले लो और सर्टिफिकेट ले लो। अब सर्टिफिकेट की वैलिडेशन क्या है, 10 साल, 10 साल तक वो वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। तो अब मैं समरी कर देता हूँ, ग्रीन जोन में किसी की परमिशन नहीं चाहिए बिंदास ड्रोन उड़ाएं। अगर आप एक नॉन कमर्शियल, बस एक कैजुअल ड्रोन फ्लायर है, आपको लाइसेंस भी नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, ग्रीन जोन में बिंदास चाहे नैनो ड्रोन उड़ाएं, चाहे आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन उड़ाएं, नो प्रॉब्लम। नंबर दो, येलो जोन में जा रहे हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे आपके पास नैनो है चाहे आपके पास माइक्रो है। आप बात करते हैं लाइसेंस क्यों चाहिए, लाइसेंस अगर आप कैजुअली उड़ा रहे हैं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए अप टू माइक्रो कैटेगरी। नंबर टू, अगर आप प्रोफेशनली उसको उड़ा रहे हैं तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन प्रोफेशनली उड़ा रहे हैं तो। नंबर तीन, अगर आप इस चक्रों से बचना चाहते हैं और आप एक वेडिंग फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं तो आप नैनो कैटेगरी का मिनी 3 प्रो ले लो, उसमें आपका काम बढ़िया से चल जाएगा, सब कुछ वो आपको देता है, 4K फुटेज, एवरीथिंग, सिनेमेटिक शॉट्स सब मिलता है आपको। तो ये बड़े बड़े और सस्ता भी है, किफ़ायती भी है। और कितना के शॉट्स चाहिए होते हैं आपको सिनेमेटिक वेडिंग के अंदर, सबको मालूम है, ऊपर से थोड़ा एस्टैब्लिश शॉट लेना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, वेन्यू दिखाना पड़ता है, वो चीज़ आपका मिनी प्रो कर देगा। मैं तो कहता हूँ जितने भी वेडिंग सिनेमेटोग्राफर्स हैं वो सारे ड्रोन भूल जाएं, मिनी 3 प्रो को अपना लें। आपका एक तो पैसा कम लगेगा, आपको एक बढ़िया सा उसका रिमोट मिल रहा है जिसमें ना तो फ़ोन लगना है, अच्छे वाला लें जिसमें रिमोट साथ में है, तो दैट इज़ बेस्ट पैकेज फॉर यू, ठीक है। होप मैंने आपके पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you very much.